हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ रोबिन मकसूद। आज हम सीखेंगे फ़ोटोशॉप पर लेयर पैनल और लेयर पैनल के जितने भी ऑप्शन हैं उनके मतलब थोड़ी डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये फ़ोटोशॉप में इतना क्यों ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले हम अपना फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं और साथ साथ इसे सीखते हैं। यहाँ से मैंने 2021 का जो फ़ोटोशॉप है इसे इंस्टॉल करके रखा हुआ है और ओपन भी कर दिया है। यहाँ से हम क्रिएट न्यू पर चलेंगे और यहाँ से हम ये वाला साइज़ लेंगे, डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप जो साइज़ वो देता है 7x5 इंचेस का, और इसकी रेजोल्यूशन, इसके पिक्सल हैं 300 तक, और ये इसकी विड्थ है 7 इंच और हाइट है इसकी 5 इंच। यहाँ पर ये इसकी रेजोल्यूशन है और RGB इसके कलर हैं, वाइट पेज है। आप वाइट पेज का भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, कोई भी आप कलर रखना चाहें वो रख सकते हैं। ये न्यू डॉक्यूमेंट पैनल के इनके ऑप्शंस हैं, तो मैंने आपको ये फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि आप इनका क्या यूज़ कर सकते हैं और कैसे इनको यूज़ में ले सकते हैं। चलिए, मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें, फ़ोटोशॉप के अंदर ये पेज ओपन होके आ चुका है। तो ये जो आपको बड़ा सा वाइट पेज नज़र आ रहा है इसके मतलब, और एक यहाँ पर बैकग्राउंड जिस पे लिखा हुआ है और साथ में एक पेज का आइकन बना हुआ है, यही हमारा लेयर पैनल है। यहाँ पर ऊपर देखें अगर आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेयर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस लेयर पैनल को बाहर ले आएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है और क्या नहीं। तो दोस्तों, ये देखिए, आपको यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पेज नज़र आ रहा है और साथ ही इसके एक यहाँ पैनल में एक बैकग्राउंड नाम से एक छोटा सा आइकन टाइप पेज है जो कि हमें वाइट कलर में नज़र आ रहा है। तो इसके साथ एक लॉक का निशान है और एक आई का आइकन है, ठीक है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से सब ये तब क्लिक होगा जब हम इसका लॉक अनलॉक करेंगे। यहाँ से मैंने इसको अनलॉक किया और अभी मैं आई वाले बटन को प्रेस करूँगा तो ये देखें, वो जो हमारा वाइट पेज है यहाँ से हाइड हो चुका है, डिलीट नहीं हुआ, हमने बस उसे हाइड किया है, ठीक है। तो इसका एक दफ़ा हम इनके जो लॉक था वो वापस लेके आएंगे, इसे लॉक लगा देंगे कंट्रोल जे के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ से एक लेंगे सिलेक्शन टूल और उससे हम बनाएंगे एक शेप। यहाँ से हम चलते हैं शेप टूल पर, तो इस टूल का नाम है रेक्टेंगल मार्की टूल, इसका शॉर्ट की है M। तो मैं इसको मैन्युअली यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके ये कि ये कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे। यहाँ पर हमने इसकी एक रेक्टेंगल सिलेक्शन कर ली है। अभी इसको शेप में लाने के लिए हम इसमें एक कलर फिल करेंगे। तो अभी इस जगह पे चलते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ से कलर करेंगे डिफ़ॉल्ट जो फ़ोटोशॉप में देता है, एक ब्लैक कलर देता है इस जगह पर जो कि इसके अपने पहले कलर होते हैं डिफ़ॉल्ट कलर, ठीक है। ऊपर इसके फॉरग्राउंड कलर है और नीचे इसका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। आप चाहते हैं जी वाइट ऊपर आ जाए तो आप इन दो एरो को क्लिक करेंगे तो वाइट ऊपर और ब्लैक नीचे। तो अब हम चाहते हैं जी हम ब्लैक कलर को चेंज कर दें, ठीक है। चेंज करने के लिए आपको एक दफ़ा इसके ब्लैक कलर के अंदर प्रेस करना होगा। यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करेंगे रेड कलर। अगर आप येलो लेना चाहते हैं, सबसे पहले इस वाली पट्टी को यहाँ से आप येलो को क्लिक करें तो यहाँ से आपको येलो कलर मिलेगा। अगर ब्लू लेना चाहते हैं तो इस पट्टी पर आके ब्लू वाले शेड में आए तो यहाँ से कोई भी आप शेड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ब्लू को ले लिया और यहाँ से हम करेंगे ओके। अब यहाँ पर ये देखें, ब्लू कलर आ चुका है। अब हमने इसको फिल इसके अंदर कैसे करना है सिलेक्शन के अंदर, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस टूल के अंदर जो कि ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल के नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है, इसके अंदर अभी हम एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो इस सिलेक्शन के अंदर ये कलर फिल हो जाएगा। तो अभी मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा, अब ये जो पेंट है इसके अंदर फिल हो चुका है। तो अब हम कंट्रोल डी के साथ इस सिलेक्शन को डी सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल डी करते हैं, वो जो सिलेक्शन है हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जो शेप हमने बनाई हुई है इस शेप को मूव करेंगे, यानी कि हम इसको इस जगह पे लेके आएंगे, ये वाली जगह पर, वहाँ से उठाकर। अभी जो मेन पॉइंट है उसकी हमें समझ आने वाली है कि लेयर्स क्या हैं और लेयर पैनल क्या है। अब देखिएगा, मैं इसे यहाँ से सबसे पहले मैं मूव टूल लेता हूँ यहाँ से। तो अभी इसे मैं सेलेक्ट करके नीचे की तरफ इस कॉर्नर में लेके आऊँगा। तो अब आप देखिएगा कि क्या नुकसान हुआ है हमारा इस शेप को बनाने का बिना लेयर्स के।
अभी हमने लेयर्स के बिना काम किया है, तो जब हमको समझ आ जाएगी कि लेयर्स क्या हैं तब हम बिना लेयर के कभी भी काम नहीं करेंगे। तो अभी मैं आपको सबसे पहले ये दिखा दूँ कि नुकसान हमारा क्या हुआ है। अब देखिएगा, मैं जब इसे नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो ये देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप अपनी लेयर को नॉर्मल लेयर करें, इसका लॉक अनलॉक करें तो तभी ये नीचे आएगी। चलिए हम इसे नॉर्मल कर देते हैं। अब ये देखें, जो हमारा वाइट पेज भी था वो भी साथ में आ चुका है और ये जो ब्लू शेप है ये भी। तो हम चाहते थे जी नहीं भैया, सिर्फ ब्लू शेप नीचे आता, जो हमारा वाइट पेज है वो वहाँ पर ही रहता। तो अभी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसे करते हैं कंट्रोल जी के साथ अंडू। कंट्रोल जी के साथ हमने इसे अंडू किया, तो अब हम एक दफ़ा फिर अंडू करेंगे, इस शेप को एक दफ़ा ख़त्म कर देंगे प्रॉपर तौर पर। तो अब हम दोस्तों यहाँ से हम एक लेंगे न्यू लेयर। आपको नुकसान का तो पता चल चुका है कि साथ में ये वाइट पेज भी आ रहा था। हम नहीं चाहते कि पेज हमारा यहीं रहे और जो हमारे शेप हैं, जितने भी हम शेप बनाएंगे उनको हम जब चाहे जहाँ चाहे मूव भी कर सकें और उनमें कलर भी फिल कर सकें। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे एक न्यू लेयर। ये दोस्तों हमारा न्यू लेयर वाला साइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक लेयर वन के नाम से एक लेयर आ चुकी है। और हम एक लेयर और लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लेयर टू के नाम से लेयर आ चुकी है। आप इनके नाम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पर नाम लिखा है लेयर का, लेयर वन। मैं सबसे पहले ये लेयर वन वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें डबल क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने रेक्टेंगल टूल बनाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर आर लिख लें, और आर के साथ आप कुछ भी लगा सकते हैं। वैसे बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इनके नेम भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका भी नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम ये एक गोल दायरे वाला शेप बनाएंगे तो उसे क्या कहा जाता है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें एलिप टूल कहते हैं इसे, तो यहाँ पर हम इस पर नेम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी। अब हम क्या करेंगे, आर वाली लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से हम चलेंगे सिलेक्शन टूल में। तो एक दफ़ा अब फिर हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं और इसमें एक पेज पर यहाँ पर शेप बना देते हैं वैसे जैसे हमने पहले बनाया था। और दोबारा से हम इस कलर पर आएंगे, यहाँ पर पेंट बकेट को क्लिक करेंगे, इसका शॉर्ट की है जी, तो इसमें से फिल कर देंगे। अब जैसे हमने इसको इसमें फिल किया तो दोस्तों ये देखिएगा, अब हम इसे मूव करेंगे। सबसे पहले मूव टूल लेते हैं और अब इसे मूव करेंगे तो ये देखिएगा ये हमारा शेप जो है मूव हो रहा है बिना वाइट पेज को साथ लिए। हमारी वाइट पेज वाली ये लेयर है, इसको लॉक भी है, ये कभी भी नहीं यहाँ से अब हिलने वाली। तो हमने एक ब्लू पेज बना दिया है, सॉरी ब्लू शेप बना दिया है। अब हम चाहते हैं ये लेयर टू पर हम कोई और शेप बनाएं, जैसे कि एलिप्टिकल यहाँ से लेते हैं शेप और इसको आल्ट शिफ्ट दबा के रखेंगे, क्लिक करके रखेंगे तो अपने माउस के साथ इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखिए एक बड़ा सा शेप बन चुका है। इनके सिलेक्शन की हो चुकी है, इसमें अब हम कलर फिल करेंगे कोई और। यहाँ येलो सॉरी ब्लू पर आते हैं, ब्लू के अंदर क्लिक किया और यहाँ पर येलो शेड पर आए। अभी यहाँ से येलो को ओके कर देते हैं और फिर चलते हैं, अभी हम जी को क्लिक करेंगे। जी को जैसे क्लिक किया तो ये देखिए वो हमारा टूल आ चुका है पेंट वाला, तो ये देखिए अब इसमें येलो कलर फिल हो चुका है। अब हम मूव टूल लेंगे दोबारा वी के साथ, तो इसको भी हम मूव कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पर लेके जा सकते हैं। अभी हम एक शेप और बनाएंगे, उसके लिए भी हमें एक लेयर और लेना होगा। लेयर्स को याद रखिएगा कि जितने आपने शेप बनाने हैं उतनी लेयर आपने सबसे पहले बनानी है। पहले आपने लेयर लेनी है उसके बाद आपने शेप बनानी है। यहाँ से हम एक दफ़ा फिर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक लेयर थ्री के नाम से लेयर यहाँ पर आ चुकी है। तो दोबारा हम यहाँ पर चलेंगे और ये रेक्टेंगल टूल लेंगे। अभी हम इसको शिफ्ट के साथ इसकी सिलेक्शन बनाएंगे, शिफ्ट को क्लिक करके रखें और साथ में से नीचे की तरफ ड्रैग करें। अब ये देखें ये स्क्वायर शेप हमारा आ चुका है, चारों तरफ से एक ही इसका साइज़ है। तो इसमें अभी हम दोबारा एक और कलर फिल करेंगे, जैसे कि रेड कलर। यहाँ से रेड शेड लिया और इसे ओके किया। तो अब मैं आपको इसका शॉर्ट की बताऊँगा कि आप शॉर्ट की इस्तेमाल करके कैसे कलर फिल कर सकते हैं। आल्ट को प्रेस करके रखना है और साथ में आपने बैक स्पेस वाला जो बटन है उसे क्लिक करना है ऐसे। तो ये देखें अभी इसमें भी कलर फिल हो चुका है।
तो अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती, प्लीज़ वीडियो को दूसरा बार बार देखें और समझें कि कैसे काम हो रहा है, तभी आप जाके एक अच्छे एडिटर बन सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया है, तो मैं चाहता हूँ कि जो कि क्लासें देखता है या कोई भी आप काम करते हैं उसमें जब आप वक्त गुजारते हैं तो आपको चाहिए उसे अच्छे से सीखना, ठीक है। तो अभी हम दोस्तों इस ब्लू वाले को भी इस तरफ ले आएंगे। अब हम आते हैं मेन टॉपिक एक और पर कि लेयर से अब हम क्या और फ़ायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर तीन लेयर्स हैं, ठीक है, एक ब्लू है, एक येलो है और एक रेड है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये ब्लू वाली लेयर है, ये जो येलो वाली है इसके ऊपर ब्लू वाली आ जाए और जो येलो है ये इसके पीछे चली जाए। मुझे क्या करना होगा, यहाँ से येलो वाली लेयर को पकड़ के मुझे ब्लू वाली लेयर के नीचे लाना होगा। जैसे मैं इसको इसके नीचे लेके आऊँगा तो ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर हमारा जो ये वाला ब्लू वाला लेयर है वो देखिए अब येलो के ऊपर आ चुका है। मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों को बराबर इनके लेवल पर इकट्ठा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, रेड को भी और यहाँ से ब्लू को भी कंट्रोल के साथ मैं कर रहा हूँ, तभी ये मल्टीपल सिलेक्ट होंगी। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर आके एक दफ़ा इसका लॉक खोलूँगा और इस पेज के अंदर रहते हुए मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके एक दफ़ा इसके अंदर क्लिक कर दूँगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर सिलेक्शन हो चुकी है हमारी पूरे वाइट पेज की। तो जो इस पेज का सेंटर वाला हिस्सा है, अभी ये सारी लेयर्स उसके अंदर उसके बीच में लेवल पर इकट्ठी हो जाएंगी। यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया एक दफ़ा, ये हमारी अलाइन है, इनको आप यूज़ में ले सकते हैं, इसकी भी क्लास मैं आपको बना के दूंगा एक दिन। तो यहाँ से मैं एक दफ़ा इसको वर्टिकल अलाइन को भी क्लिक करता हूँ। सॉरी, सबसे पहले मैं इन लेयर्स को सिलेक्ट कर लूँ, इस लेयर को सिलेक्ट किया, इसको और इसको, अभी अलाइन वाले इस वर्टिकल अलाइन को क्लिक करता हूँ और अभी इसको। तो ये देखें अभी ये सेंटर में तीनों लेयर्स आ चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ ये देखें सबसे नीचे हमारी येलो लेयर है, यहाँ पर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे नीचे देखिए येलो है, उसके ऊपर ब्लू है और सबसे ऊपर रेड है। अगर आप चाहते हैं कि जी सबसे नीचे ये जो लेयर रेड है ये सबसे नीचे आ जाए, यहाँ से हम इसको, अभी ये सेकंड नंबर पर है, अभी मैं इसे यहाँ पर लेके आऊँगा सबसे नीचे। ये देखें अभी जो हमारी रेड लेयर है वो सबसे नीचे आ चुकी है। अगर आप उसे दोबारा ऊपर लाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ऊपर ले आएँ, तो ये देखिए ऊपर आ चुकी है। मैं चाहता हूँ कि सबसे ऊपर ब्लू वाली लेयर आ जाए, यहाँ से मैंने ब्लू वाली को क्लिक किया और इसे ऊपर की तरफ रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे ऊपर येलो वाली लेयर आ जाए। इस तरह आप अपनी शेप को और अपने काम को अच्छा अंजाम दे सकते हैं। तो ये है दोस्तों, अब आप इसे जहाँ चाहें जैसा चाहें मूव करके रख सकते हैं। ये लेयर्स का हमें ये फ़ायदा होता है। इस क्लास में आपको लेयर्स की भी समझ आ रही है और साथ में शेप बनाने की भी समझ आ रही है और साथ में कलर फिल करने की भी। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पर काफ़ी छोटे इसके आइकन है, हमें अच्छे से नज़र नहीं आ रहे कि कहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, बस एक गौर से देखने से हमें पता चलता है। अगर आप चाहते हैं कि जी इसका जो पैनल है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, आई मीन कि ये जो इसके अंदर लेयर्स हैं, तो यहाँ पर आप इस जगह पर आएँगे, आपको अभी दिखाता हूँ जूम करके, इस जगह पर आप क्लिक करेंगे और अभी हम सबसे नीचे आएँगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पैनल ऑप्शंस। जैसे हम पैनल ऑप्शन पर आते हैं तो ये देखिए थंबनेल साइज़, यहाँ पर ये सबसे छोटा है। आप इसको नंबर भी कर सकते हैं कि इनके लेयर्स नज़र ना आए वहाँ पर, तो ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पर आप बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं और यहाँ से आप इसे ओके कर दें। तो ये देखिए हमारी जो लेयर्स हैं अभी वो बड़े साइज़ में नज़र आ रही है, अच्छे से मालूम हो रहा है कि यहाँ पर क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो अब हम दोस्तों इसके इस लेयर के कलर भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का आप कलर दे सकते हैं। अगर मैं इस लेयर पर आके, आपके इस शेप का कलर नहीं चेंज होगा, आपकी इस लेयर पैनल के अंदर जो लेयर पड़ी हुई है उसका कलर चेंज होगा, ताकि आप आसानी से जान सकेंगे हमारी लेयर कहाँ पर पड़ी हुई है। जैसे कि मैं से ये रेड है, इसको रेड कलर ही दे देता हूँ। तो ये देखें अभी ये आई वाले आइकन के साथ यहाँ पर रेड का निशान आ चुका है, यहाँ से हमें अच्छा मालूम होता है कि जी ये हमारी रेड वाली लेयर है। तो यहाँ पर अगर जैसे मैं ब्लू पर आया, रेड क्लिक किया, तो यहाँ से हम ब्लू कलर ले लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर आप येलो लेना चाहते हैं तो आप इस लेयर पर हैं, तो ये देखिए आप ऐसे भी काम करके अपने लेयर पैनल को बेहतर से बेहतर तरतीब दे सकते हैं। अब हमने लेयर पैनल जहाँ से उठाया था, अभी हम दोबारा उसी जगह पर रख के आते हैं
यहाँ से हमने लेयर पेन को पकड़ा और इस जगह पे जब तक ये ब्लू आपको आउटलाइन नज़र ना आए तब तक आपने से ड्रॉप नहीं करना, छोड़ना नहीं। यहाँ पर ये देखिए अभी ये लेयर पेन हमारा इस जगह पे है, हम इसे यहाँ से पकड़ के सबसे राइट वाली तरफ ले आएंगे। तो अगर आप इसका साइज़ यहाँ पर रहते हुए बड़ा करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा ऊपर चलें इस जगह पे, तो आप इसे ऊपर की तरफ ले चलें, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब चाहें किसी पैनल को बाहर निकाल सकते हैं और दोबारा वहीं पर फिक्स भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जी ये जो हमारा वर्क पैनल है, वर्क स्पेस है, ये जो आप चाहते हैं कि जी अपने फ़ोटोशॉप का जो जेन्युइन इनके कंडीशन वाला इसका व्यू है वो आ जाए, आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं, या फिर आप इस जगह पर ये देखें डिफ़ॉल्ट पे भी क्लिक करके फ़ोटोशॉप का जो अपना इनके इंटरफेस है वो ला सकते हैं, ठीक है। तो अब हम दोस्तों आपको ये भी बात बता दें कि इनको आपने डिलीट कैसे करना है लेयर पैनल में से। अगर आपको कोई शेप पसंद नहीं आती, मैंने फिर लेयर पैनल को बाहर ले और इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आप इस लेयर पर रहते हुए आपको ये लेयर अच्छी नहीं लग रही, आप सिर्फ इसको सेलेक्ट करें। मैंने अभी येलो को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा तो अब वो डिलीट हो चुकी है। कंट्रोल जी के साथ आप उसे वापस भी ला सकते हैं, या आप चाहते हैं कि जी ये डिलीट ना हो, सिर्फ टेम्प्रेरी तौर पर ये थोड़ा से थोड़े वक्त के लिए जब तक आप चाहते हैं ये हाइड रहे, तो यहाँ पर आप आइकन का ये जो आई का निशान है उस पर क्लिक करें तो वो यहाँ से पेज में से थोड़ी देर के लिए गायब रहेगी। थोड़ी देर का मतलब ये जब तक आप चाहें। इस तरह मैं ब्लू को भी हाइड कर सकता हूँ और रेड को भी, तो यहाँ से आप दोबारा इनको लेके आ सकते हैं। तो आप चाहते हैं जी एक टाइम में तीनों लेयर डिलीट हो जाएं, उसके लिए क्या करना होगा, आपको इस लेयर को सेलेक्ट करके रखना होगा और साथ में ये जो लेयर थ्री है इस पे आके सबसे पहले आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें और साथ में माउस का बटन क्लिक कर दें। अब ये देखें तीनों लेयर सेलेक्ट हो चुकी हैं और आप जस्ट डिलीट का बटन प्रेस कर दें, तो ये देखें तीनों के तीनों लेयर डिलीट हो चुकी हैं। अब हम कंट्रोल जे के साथ उसको वापस लेके आएंगे, ये देखें हमारे लेयर्स वापस आ चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि जी ये जैसे मैंने पहले इनको इनके एक लेवल में रखा हुआ था, उसी तरह हम दोबारा फिर इनको लेवल में लाएंगे। कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें और साथ में इस वाइट वाले पेज पर क्लिक कर दें इसके अंदर। तो अभी हम दोबारा से इनको सेलेक्ट करेंगे, इस लेयर को सेलेक्ट किया। अगर आप मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें, साथ में मैंने इसको किया और इसको किया। अभी हम आते हैं अलाइन पर, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया और साथ में इसको। अब ये देखें तीनों लेयर सेंटर में आ चुकी हैं। तो अब मैं चाहता हूँ, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसकी ओपेसिटी हम कैसे कम करें, जैसे कि हमारा थोड़ा सा ब्लू शेप भी नज़र आए और येलो भी। उसके लिए हम येलो पर क्लिक करेंगे, येलो लेयर हमारा सबसे टॉप पर है। इस लेयर पैनल से आपको अच्छी खासी समझ आ रही है कि कौन सा लेयर सबसे ऊपर है, कौन सा लेयर सेंटर में और कौन सा लेयर सबसे नीचे है। तो मैं सबसे ऊपर वाले लेयर को क्लिक करके यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूँगा। तो ये देखें जैसे मैंने उसकी ओपेसिटी कम की, हमें जो दो कलर नीचे हैं, जो दो शेप हमारे नीचे हैं, उनके भी हमें कलर और शेप नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप इसकी जितनी ओपेसिटी कम करना चाहें कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। तो ये इसके ब्लेंड मोड आ गए हैं, यहाँ से आप इनका भी यूज़ करके किसी भी तरह का शेप एक बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जी मैं इस लेयर को नहीं छेड़ना चाहता, ये मूव भी ना हो, तो आप इसे लॉक लगा दें, इसको क्लिक करके यहाँ से लॉक वाले बटन पर क्लिक कर दें। तो अब ये देखिए मैं येलो वाले लेयर को क्लिक कर रहा हूँ पर वो नहीं हो रहा, बाकी जितने भी लेयर हैं वो सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आप इस बैकग्राउंड वाले लेयर को भी यहाँ से लॉक लगा दें। तो अगर आपने लॉक ओपन करना है तो लॉक वाले बटन पर क्लिक कर दें ऐसे। तो ये चीज़ है दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ जाते वक्त, ये देखिएगा यहाँ पर काफ़ी सारी आपको ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी। आप सोच रहे होंगे कि भाई ने हमें ये ऑप्शंस भी नहीं बताई और क्लास ख़त्म कर दी। दोस्तों मेरा खास मतलब ये है आपको समझाने का कि मेन चीज़ है जो वो आपको समझ आ चुकी है। अब जैसे जैसे हम एडवांस काम करते जाएंगे या मेरी क्लासेज आएंगी उनमें इन सारे टूल्स का ऑप्शंस का इस्तेमाल होगा, तो आपको इसकी भी समझ आती रहेगी। अगर मैं इसी क्लास में सब कुछ बता दूंगा तो आपको नहीं समझ आने वाली कि ये सारे टूल किस काम के लिए हैं। थैंक यू।